मेरे प्यारे देशवासियों, ये जनता कर्फ्यू एक प्रकार से हमारे लिए, भारत के लिए एक कसौटी की तरह होगा। ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए भारत कितना तैयार है, ये देखने और परखने का भी समय है। आपके इन प्रयासों के बीच जनता कर्फ्यू के दिन 22 मार्च को, रविवार को ही, मैं आपसे एक और सहयोग चाहता हूं। साथियों, पिछले 2 महीनों से लाखों लोग अस्पतालों में, एयरपोर्ट पर, दफ्तरों में, शहर की गलियों में दिन रात काम में जुटे हुए हैं। चाहे डॉक्टर हो, नर्सिस हो, हॉस्पिटल का स्टाफ हो, सफाई करने वाले हमारे भाई बहन हो, एयरलाइंस के कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, पुलिस कर्मी हो, मीडिया कर्मी हो, रेलवे, बस, ऑटो रिक्शा की सुविधा से जुड़े लोग हो, होम डिलीवरी करने वाले लोग हो, ये लोग अपनी परवाह न करते हुए दूसरों की सेवा में लगे हुए हैं। आज की परिस्थितियां देखें तो ये सेवाएं सामान्य नहीं कही जा सकती। आज खुद भी इनके संक्रमित होने का पूरा खतरा मोल लेते हैं, बावजूद इसके ये अपना कर्तव्य भी निभा रहे हैं, हर किसी की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये अपने आप में राष्ट्र रक्षक की तरह कोरोना महामारी और हमारे बीच में एक शक्ति बनकर के खड़े हैं। देश ऐसे सब छोटे बड़े व्यक्तियों का, संगठनों का कृतज्ञ है। मैं चाहता हूं कि 22 मार्च रविवार के दिन हम ऐसे सभी लोगों को धन्यवाद अर्पित करें, और धन्यवाद अर्पित करने का तरीका भी देश के एक एक व्यक्ति को जोड़ सकता है। रविवार को यानी जनता कर्फ्यू के दिन शाम को ठीक 5 बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर, या बालकनी में, या खिड़कियों के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक, रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें, उनका हौसला बढ़ाएं, उनको सैल्यूट करें। पूरे देश के स्थानीय प्रशासन से भी मेरा आग्रह है कि 22 मार्च को 5 बजे सायरन की आवाज से इसकी सूचना लोगों तक पहुंचाए। सेवा परमो धर्म के हमारे संस्कारों को मानने वाले ऐसे देशवासियों के लिए हमें पूरी श्रद्धा के साथ अपने भाव व्यक्त करने चाहिए।